उसने हमारा जो पक्ष था कि ये तीन जजेस नहीं सुनना चाहिए वो माना गया, इसलिए हमको प्रसन्नता है। बात करें अब मील का पत्थर साबित होगा ये फैसला, क्या लगता है राम मंदिर बनाने में? देखिए ये मील का पत्थर नहीं, ये रास्ते में एक रोड़ा था वो हट रहा, ये रोड़ा विपक्ष ने डाला बिना कारण से, एक खड़ा कर दिया विवाद और उस विवाद के लिए पांच जजेस में भेजो, इसके बहाने टाइम निकाला, तो ये कालहरण की जो कोशिश है और इसमें राजनीति है। तो इस प्रकार के ये जो लोग कर रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दिया है कि ये उनका कहना गलत था और इसमें तीन जजेस ही कर सकते हैं, पांच की आवश्यकता नहीं है, तो प्रसन्नता का विषय है। और इससे ये जल्दी होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि क्या होगा कि वो पांच जजेस में जाता तो पहले तो उस पर फैसला होता, फिर पता नहीं वो पांच जजेस कहते कि हम सात जजेस को रेफ़र करते हैं तो सात जजेस को रेफ़र होता, अगर उसमें बरसों लग जाते उसमें फैसला आता उसके बाद में फिर सुनवाई शुरू होती। तो ये एक हमारे रास्ते में जो रोड़ा था वो हट गया और अब सुनवाई हो सकती है तीन जजेस में ही। वो कितनी जल्दी होगी ये अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, हमारे वकीलों की कोशिश रहेगी कि वो जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो जाए और इसका जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए, तो निर्णय हो जाएगा वो तो ठीक रहेगा सभी के लिए, क्योंकि ये अपील कब से पड़ी है, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हुआ, 8 साल तो निकल ही गए, तो ये अब कितने दिन चलेगा? और सब तमाम करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल है, उसके साथ इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई अच्छे उदाहरण हैं कि जिसमें उन्होंने सामाजिक ऐसे संवेदनशील विषयों पर काम किया है, शीघ्रता से काम किया है, रात में कोर्ट खोल के भी बैठे हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद बनती है कि इस मामले में भी शीघ्रता से निर्णय होगा। आगे क्या स्टेज रहेगा विश्व परिषद का, शुरू से राम मंदिर के लिए सबसे बड़े? नहीं, इसमें हमारे जो हमारा स्टैंड था या हमारा जो वो है उसमें बदलाव का तो कोई सवाल नहीं है। शुरू से हम जो कह रहे थे कि ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं, उसकी आवश्यकता पांच जजेस को भेजने की नहीं है, वो बात अब कोर्ट ने मान ली। अब ये है कि कोर्ट सुनवाई अगर ये नहीं होता, ये अड़ंगा नहीं होता तो सुनवाई हो गई होती, मेरिट पे सुनवाई होके फैसला आ गया होता। वो फैसला आने के बाद में वो फैसला क्या है उसको पढ़ के अपने वकीलों से राय मशवरा करके, और फिर हम हर काम संतों के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, तो संतों से परामर्श करेंगे, उसके बाद जाके हम तय करेंगे कि क्या करना है। तो आज तो कोई स्थिति नहीं है ऐसी कि जो उसमें कुछ तय करना है कि क्या आगे करना है, अभी तो सुनवाई करवाना यही है, शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई होना चाहिए, यही अभी हमारा एजेंडा है। उसके बाद क्या करना है वो तो संतों से मार्गदर्शन लेंगे, वकीलों से पूरी जानकारी लेंगे कि निर्णय क्या है, किस प्रकार है, उनके क्या उम्मीद है, कितने दिन में हो सकता है ऐसा उनको लगता है, ये सब उनसे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर संतों से चर्चा करेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे कि हमने क्या करना है। तो मुझे तो लगता है कि अभी हमको केवल ये जो हुआ है ये एक प्रसन्नता का विषय है कि ये इतना टल जाता लंबा मामला, उससे टलेगा नहीं, और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल ये बात है कि इस फैसले इस केस की मेरिट पे सुनवाई करना और उसके अनुसार निर्णय देना। तो जो निर्णय होगा उसके बाद ही तय करने की बातें आती हैं ना, तो आज तो ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी इस परिस्थिति में भी क्या करना ये तो हम सब जब हम मिलेंगे बात करेंगे वकीलों से भी वो करेंगे और संतों से भी मार्गदर्शन लेंगे तभी तय होगा, उसके पहले तो ऐसा हम लोग ऐसे रास्ते चलते कोई बातें तय नहीं करते। बात करें आखिरी सवाल है, बहुत राजनीति हुई है राम के नाम पर, कांग्रेस की तरफ से भी याचिका डाली गई कपिल सिब्बल जी की, 2019 के बाद सुनवाई हो, काफ़ी हंगामा था, इतनी राजनीति राम के नाम पे हो रही है, क्या लगता है कि ये नहीं चाहते कि राम मंदिर बने? नहीं, आश्चर्य है क्यों नहीं चाहते ये नहीं बताते। अभी तो राम वनगमन पथ पर जा रहे हैं, तो अयोध्या के पथ पे आए, वनवास के पथ पे क्यों जा रहे हैं? सीधे बोलें
कि अयोध्या में राम जन्म, अयोध्या की जो जन्मभूमि है उसके ऊपर मंदिर बनना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन दिक्कत में ये राजनीति जो आप कह रहे हैं ना, ये राजनीति के कारण ही दिक्कत है जो कुछ है। उनके मन में नहीं है कि राम मंदिर बने, बताना वोट के लिए ये है कि राम मंदिर बनना चाहिए, इसलिए धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, मठ मंदिरों में जा रहे हैं। मैं हर जगह ये कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के इतने सारे आंदोलन का ये सुखद परिणाम है कि जो लोग हमको पानी पी पी के गालियाँ देते थे, हिंदुओं को आतंकवादी बताते थे और राम का जन्म ही नहीं हुआ ये मानते थे, काल्पनिक है ये बताते थे, ऐसे शपथ पत्र जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, ऐसे लोग अब जैकेट पहन के, उस पर जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन के और खुद को हिंदू बता रहे हैं और मठ मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं, तो हमारी विजय है ये। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पर लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी।